अस्सलाम वालेकुम माड़ा, क्या हाल है तुम्हारा? अभी यार फिलहाल मैंने नसवा रखी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब बंदे को प्यार में धोखा मिले तो फिर नशों पे बंदा लग ही जाता है। चल बजड़ी के, मैं जरा महंगे नशों पे नहीं लगा, पैसे नहीं थे यार, मुझे पता है मैं गरीब हूँ, सस्ते नशों पे लगे नसवा रखने शुरू हो गया। वो लड़की एक, मैं क्या बोलने लगा था, मैं आज तक किसी की बात नहीं मानी और वो लड़की मुझे इन नशों का ताबेदार कर दी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मजाक कर मेरा नसवार नसूर कोई नहीं, इमली खा लो इमली। वैसे दिल का तो अभी मैंने यार बाजरा ले लिया ना मिक्स, क्योंकि खत्म हुआ हुआ, खत्म होने लगा बस दाना। सब बंदे से कबूतर के बच्चे का पता करूंगा, दुआ करो कि सोना सा कबूतर का बच्चा मिल जाए 250-300 का, तो भी ले लेंगे। चलते हैं नीचे, मैं आपको मिलता हूँ रस्ते में। हाय हाय हाय, बहुत मोटरसाइकिल चमक रहा है, निकालने का दिल तो नहीं कर रहा है। देखो इंजन बिल्कुल साफ, हर चीज बिल्कुल साफ, लेकिन निकालना पड़ेगा। बाजरा भी लेने जाने यार, उनको भी तो भूख लगती है ना। चलते हैं, अब आपको मिलता हूँ मैं रस्ते में, ये दुकान पर पहुंच जगह आने लगे जिधर कर आपको हामिद का एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल की हालत में ना। मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ, मोटरसाइकिल घर ही खड़ा है मेरे मामू का, तो मैं आपको उसकी हालत दिखाता हूँ। ये वो जगह है जिधर हम रात को एक्सीडेंट हुई है, पीछे जो है पीछे जगह रह गया, उधर से ना एक बंदा आ रहा था और इधर से एक बंदा मोड़ने लगा था, आगे गली है ना पीछे उधर, तो वहाँ के बीच में एक्सीडेंट जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वो सारा हुआ था। एक उधर से आता उधर से आता हुआ सिर्फ हुआ था, बड़ा क्या मेरे को लगा स्टोरी को यार आपने कल को लॉग में देख ली उनका। बाकी यार ये चिट्टे मुर्गे से करो, आया मुझे बहुत पसंद है ईरान नसल के। अब दुकान पास है जाके बाजरा शाजरा लेके आपको मैं बाद में मिलता हूँ। फिर अभी मैं मिक्स बाजरा लेके घर पहुँच चुका और ये रंग बिरंगी बाजरा है, मैंने उसे पूछा था कि ये हमरों के लिए सही है ना, उसने कहा था ठीक है। इसमें आप देखते हैं क्या क्या, इसमें है बाजरा रंग बिरंगी, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। बाकी छोड़ो, उसे मैंने कबूतर के बच्चों का पता किया, वो कह रहा है कि मेरे पास जो आए थे ना वो सारे हो गए हैं सेल, तो अभी मेरे पास नहीं है, अभी मैं किसी और बंदे से जाके पूछूंगा कि अगर उसके पास हुआ 300 रुपया 300 में कोई कबूतर का बच्चा मिला ना तो ले लेंगे। यार मैं हमेशा कबूतर का बच्चा एंटेम करने के लिए लाता हूँ, लेकिन वो मर जाता है, एक अभी तक मरा, या फिर वो बड़े जो बड़े होते हैं वो अपने दोस्त को वापस कर दो। बाकी मैं वहाँ शोम जा रहा हूँ, आपको बाद में मिलता हूँ। अभी आपका भाई फिलहाल आया है टेरिस में, मैंने कहा आपको परिंदों की सूरत हाल बता दो, परिंदों की सूरत हाल बताने के बाद मैं अपने बहन को स्कूल से जा रहा हूँ, बहन भाइयों को। पिंडों की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अभी तक रेमंड आपका बच्चा नहीं निकला है, अब कल पक्का निकल जाएगा मुझे जितना तक लगता है, बाकी ज़्यादा बेहतर चाहता है, लेकिन कल मेरे ख्याल से ना निकल जाएगा बच्चा, क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 13-14 दिन 12-13 निकलते दिन लगते हैं, 13 दिन हो गए हैं, हो सकता है कल निकल जाए। और हमारे हमरों को भी मेल भी फिलहाल अंडों पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर भी। और हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना बोल गया हूँ, जो हमारी गोल्ड फिश थी ना दूसरी, वो भी मर गई है, पता नहीं मैं सुबह आया था मरी हुई थी, पता नहीं कैसे मरी है तो मुझे भी नहीं पता। अब इनको फीड वगैरह थोड़ी सी डाल देते हैं मछलियों को, बच्चे भी सारे बिल्कुल ठीक हैं, ये 1, 2, 3, 1, 4, 5 ही देख लो सारे बच्चे बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो एक जो गोल्ड फिश है वो भी मर गई है, अभी इसको फीड डाल देते हैं जो दोनों मछलियाँ, फिर अपने बहन भाइयों को स्कूल ले जाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ घर पहुँच कर। फिलहाल आपका भाई गया हुआ था बाहर चिकन लेने, क्योंकि मैंने खाना है अभी पुलाव, और इसलिए पुलाव के लिए चिकन बहुत ज़रूरी है। यार ये गोश्त गिरना जाए, मुझे वीडियो ना बंद ही करनी पड़ी, ऐसे भी तो मैंने पाँव रख लिया लेकिन आगे मैंने मोड़ रहे हैं तो भी पाँव नहीं रखने होगा, क्योंकि झटका लगेगा गिर ही जाएगा आपको। मैं जब पुलाव बन के आएगा या घर पहुँचूंगा तो आप दिखाता हूँ, अभी मैंने बहन भाइयों को भी स्कूल से लेते हैं जाना है। अभी फिलहाल मेरा भाई और मैं जा रहे हैं दही लेने, क्योंकि आपको मैंने बताया ना पुलाव बन रहा है, तो पुलाव के लिए रायता, पुलाव के साथ रायता होना चाहिए और रायते के लिए दही होना चाहिए। एक दुकान से मैंने पीछे से पता किया नहीं मिला, अब एक दो दुकानों से और पता करूंगा, हो सकता है मिल जाए दही, इस दुकान से पता करते हैं मेरा। हाँ इधर मेरे हाथ से दही लगा हुआ, लेते हैं फिर आपको मैं मिलता हूँ घर पहुँच कर। अभी मैं डायमंड हाफ के अंडे चेक करता, इस अंडे में ना अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और ये जो अंडे ना ये देखो, ये कहाँ से था यार, ये देखो यहाँ से ना यार किसी जगह से ना हल्का हल्का ब्रेक हुआ हुआ है, और ये ना बिल्कुल बच्चा इसके अंदर बन गया, ये कल या परसों निकल, कल हो सकता निकल जाए, ये आज रात को निकल जाए। अब दोबारा इनको अंडों को रख देते हैं और नमाज पढ़ने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। जोर की नमाज पढ़ ली और फिलहाल पुलाव भी बन के आ गया जो कि मेरे सामने है। बकवास बंद कर रहे, साथ ये रायता,
भी खाते हैं, साथ साथ कोई मूवी देखते हैं। और आपको अब मिलता खाने के लिए। यार अभी आपके भाई ने अपने मामू को दा दिया, अभी फिलहाल मैं और कासिम जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं भाई? दही भले लेने। कासिम के दही भले लेने हैं, मैंने अपनी मूंगफली लेनी है एंड फिर मैं कासिम को उसके घर लाऊंगा एंड मैं फिर अपने घर जाऊंगा, यही उसका बिल्कुल सीन है। बाजार से गोलगप्पे ये क्या दही भले लेने हैं? बाजार से लेने हैं। ओ फक, सामने लड़कियां भी हैं तो मैं अब आपको बाद में मिलता हूँ। लोगों के पैरों में पटाखे फोड़ने लगे, कोई रिएक्शन नहीं मिला। अब हम भैन ये चीखे आवाजें बजाएंगे कि इस बंदे के पैर में, जो इस साइड पर नहीं जा रहा कोट पहना हुआ है, हैं इसके पैर में पटाखा फोड़। हो गए पागल तेरी प्यार में ये हसीना, दर्द दिल की राहत तू, धड़कनों की मन्नत तू, इश्क में है हसीना। मारो पटाखे है जीना, खबर डब्बी खोलने दो यार। मुश्किल में है जीना, तुमने दिल ये छीना, हो गए पागल तेरी प्यार में ये हसीना, दर्द दिल की राहत तू, धड़कनों की। ओ भाई यार कोई रिएक्शन ही नहीं मिल रहा, भैन दी सीरी मारू। हो अंकल प्लीज टेक अ साइड, ये क्लच कुटो ब्रो, क्लच कुटो ना ब्रो, हल्का छोड़ो, हल्का भोसड़ी वाले ब्रो, तुमने एकदम से छोड़ दिया, चलो छोड़ पकड़ो, हल्का छोड़ना, हल्का ऐसे ये चीज। अभी हम आगे और जाते हैं और भैन ये क्योंकि बाजे बजाते हैं, डब्बी खोल के चलाओ। ओ मरे तुम, ये ऐसी आवाज़ें ना निकालो, डब्बी खोलो ब्रो, डब्बी खोलो यार, बाजार मुकने लगा, डब्बी खोल लो, वापस बाजार का गेड़ा ना लगाए मोड़ के हैं यार, कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा भाई, ये इन भाइयों के पैरों में फोड़ो। ये इस बंदे के इसके यार वो बैठा हुआ था उसके पास। कौन सी आंटी यस फोड़ भी दो पटाखे, फोड़े निकलेंगे तो ब्रो टेक अ साइड प्लीज। पटाखा मिक्स हो गया यार, शिट, क्या अल्लाह की कसम तुम पटाखे जाया कर रहे हो, इधर जाओ इधर टेनो भाई, किधर रोल खाने जाना है? ओ यार रोल नहीं खाना ब्रो, चलो यार अब रोल खाने के बाद आपको दिखाते हैं। और ये कासिम भाई हमारे जो हैं दिल के बहुत खुले हैं एंड इन्होंने दो रोल लगवाए हैं जो फिर हम खाने लगे हैं कि एक ये मैं फर्स्ट टाइम खाने लगा रोल बाजार में हमने, ये क्योंकि बड़े बाजे बजा के हैं तो तंग आ गए थे इसलिए हमने कहा जरा खा लेते हैं। अब आपको मिलता हूँ मूंगफली लेने वाला। यार अभी फिलहाल आपका भाई बाजार में भैनियों क्योंकि बाजे बजा के घर आ गए और आप मुझे ना कमेंट्स में लाजमी बताना कि आप देखिए भाई ने कैसी भैनियों क्योंकि बाजे बजाए हैं एंड जरा मुझे कोई कमेंट्स में ना, अब इस वीडियो पे दुआ करो व्यूज आ जाए, भैन दी सिर्फ व्यूज नहीं आते यार अल्लाह की कसम, 313 सब्सक्राइबर है और व्यूज 60-70 आते हैं। चलो छोड़ो, बाकी मैं बोल रहा हूँ कमेंट्स में कोई ढेर देना कि मैं बाजार में जाके कोई ढेर मुझे देना, लेकिन कोई पैसों वाला ढेर ना देना, गरीब बड़ा हूँ मैं, कोई ऐसा ढेर देना जिसमें मेरे पैसे ना लगे, ठीक है? बाजार में जाके कोई अकी वगैरह करनी हो ऐसा कोई ढेर दे दो तो मैं कार भी लूंगा, मेरा दिल है किस कोई वीडियो ने ऐसे ढेर पे बनाए, अगर मुझे अब ढेर मिलेंगे तो तब ना बल तो मुझे ढेर में आज मिलेंगे ही। बाकी इस ब्लॉग में यहाँ पे एंड करते हैं, चलो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर मानी लाला हाफिज़। मुड़ी जाते मैं।